भारी तबाही मची हुई है। खबर है कि हिजबुल्ला के 200 ठिकानों को तबाह कर दिया गया। इन ठिकानों में लॉन्चर्स, एंटी टैंक लॉन्चिंग पोजीशन, मिलिट्री बिल्डिंग और हथियार डिपो को टारगेट किया गया। वहां इजरायली सेना के जघटा जिले के एतो शहर पर हवाई हमला किया गया। हमले में दावा किया कि 18 लोगों की मौत हुई है, 4 घायल हुए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम हिजबुल्लाह पर बेरहमी से हमला करना जारी रखेंगे। हिजबुल्ला का इसराइल पर सबसे बड़ा हमला। चार सैनिकों की मौत से दहला इसराइल। साठ लोगों के घायल होने से हाइफा में मची हलचल। नसरल्ला मारा गया लेकिन हिजबुल्ला जिंदा है। हिजबुल्ला का कमर तोड़ने वाले अटैक के बाद इसराइल इस मुगालते में था कि अब कम से कम हिजबुल्ला इसराइल के खिलाफ डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, लेकिन हिजबुल्ला ने ऐसा करारा जवाब दिया कि इसराइल के होश उड़ गए हैं। रक्षा मंत्री योव गैलेंट, आर्मी चीफ हर्जी हलेवी दौरे पर हैं। हिजबुल्ला ने गोलानी ब्रिगेड के ट्रेनिंग कैंप पर जबरदस्त हमला किया है। हमला इतना जोरदार था कि इजरायली डिफेंस फोर्स के 4 सैनिकों की मौत हो गई। हिजबुल्ला ने इसराइल पर हमला उस दिन किया जिस दिन अमेरिका ने थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसराइल की सुरक्षा में तैनात करने की घोषणा की। यह हमला किसी रॉकेट या मिसाइल से नहीं बल्कि ड्रोन से किया गया। यह हमला इतना सटीक था कि इसराइल को भी मानना पड़ा कि इस हमले की वजह से उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हिजबुल्ला के छोड़े 2 ड्रोन में से 1 को इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया यानी रोकने में सफल रहा, लेकिन दूसरा ड्रोन गोलानी ब्रिगेड ट्रेनिंग बेस पर तबाही मचाने में कामयाब रहा। दो दिनों में इसराइल के खिलाफ हिजबुल्ला का यह दूसरा हमला है। जब हिजबुल्ला ने सेंट्रल इसराइल के बिन्यामिना के पास एक मिलिट्री बेस पर ड्रोन से बड़ा हमला किया है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इसने बेस के अंदर एक डाइनिंग हॉल को निशाना बनाया था। यह हमला उस वक्त हुआ जब इजरायल के सैनिक खाना खा रहे थे। कहा जा रहा है कि ड्रोन के आने के पहले कोई सायरन नहीं बजा था जिससे सैनिकों को सुरक्षित होने का मौका नहीं मिला। हिजबुल्ला के इस ड्रोन अटैक में सर्जेंट ओमरी चमारी उम्र 19 साल, सर्जेंट योसफ हीप उम्र 19 साल, सर्जेंट युवाओ एगमॉन उम्र 19 साल और 19 साल के ही सर्जेंट एलोन एमेटे की मौत हो गई। ये सभी गोलानी ट्रेनिंग बेस पर तैनात थे। जंग की शुरुआत से ही इसराइल यूएवी के खतरे का सामना कर रहा है। बिन्यामिना मिलिट्री कैंप जहां पर ड्रोन अटैक हुआ वो लेबनन की सीमा से महज 65 किलोमीटर दूरी है। आईडीएफ ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट में पाया है कि ये दोनों ड्रोन समुद्र की सीमा के रास्ते इसराइल में घुसे। ये दोनों ड्रोन मिर्साद थे जिन्हें ईरान में अबाबील टी भी कहा जाता है। मिर्साद ड्रोन हिजबुल्ला का आत्मघाती ड्रोन है। मिर्साद 1 को ईरान के मोहजर 2 मॉडल के डिजाइन पर बनाया गया है। इसमें हिजबुल्ला के लिए थोड़े संशोधन किए गए हैं। ये ड्रोन 40 किलोग्राम तक
विस्फोटक ले जा सकता है। इसकी अधिकतम गति 370 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 120 किलोमीटर तक हमला करने की है। ये 3000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। हिजबुल्ला अक्सर इसका इस्तेमाल इजरायली हवाई क्षेत्र में घुसने के लिए करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रोन इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सफल रहा। इसराइली वायुसेना के विमानों और हेलीकॉप्टर ने दूसरे ड्रोन का पीछा किया, लेकिन यह रडार से गायब हो गया। इसराइली सेना इसका पता नहीं लगा सकी, क्योंकि शायद ये जमीन के बहुत करीब उड़ रहा था। अनुमान है कि रडार से गायब हुआ ड्रोन और हमला करने वाला ड्रोन दोनों एक ही थे। फिलहाल इजरायली सेना इसकी जांच कर रही है। צעות קשות, יש נפגעים. בשלב שאנחנו נמצאים פה עכשיו, שליטה מבצעית מלאה על האירוע. כל הנפגעים פונו לבתי החולים. אנחנו עכשיו עסוקים בליצור קשר עם משפחותיהם. כל החיילים בבסיס הונחו להתקשר הביתה ולהתקן את משפחותיהם שהם בסדר. कोई सायरन भी नहीं बजा, जिसकी आवाज हमला होने के बाद हाइफा शहर की सड़कों पर सुनाई पड़ रही है। लिहाजा सैनिकों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। जिस बिन्यामिन मिलिट्री बेस पर गोलानी ब्रिगेड को हिजबुल्ला ने टारगेट किया, उसकी डिटेल भी देखिए। गोलानी ब्रिगेड इजरायली पैदल सेना का ही हिस्सा है। इसका गठन 28 फरवरी 1948 को हुआ था, जब ऊपरी गलील में लेवानोनी ब्रिगेड को दो छोटे ब्रिगेड में विभाजित किया गया था। ये आईडीएफ में सबसे अधिक सुसज्जित ग्राउंड सेना इकाइयों में से एक है। इस ब्रिगेड को ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जाना जाता है। 1948 के अरब इजरायली युद्ध के बाद गोलानी ब्रिगेड ने 1950 के दशक में कई ऑपरेशनों को अंजाम दिया। इसराइल पर ताजा हमले ने यह क्लियर कर दिया है कि इसराइल के इस दावे में 100% सच्चाई नजर नहीं आ रही है कि उसने हिजबुल्ला के सारे टॉप कमांडर मार गिराए हैं और हिजबुल्ला के ठिकानों पर लगातार हमले कर उसे करीब करीब ध्वस्त कर दिया है। इस बीच इसराइल में ईरान किस तरह से एक्टिव है, ग्राउंड जीरो से ताजा रिपोर्ट भी देख लीजिए। ईरान के लिए काम करने के शक में एक पति पत्नी को तेल अवीब में पकड़ा गया। इनको इसराइल के बड़े अधिकारियों को जान से मारने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इनको कारों में आग लगाने का भी जिम्मा दिया गया था और कुछ हफ्ते पहले ही इनकी टेलीग्राम के जरिए भर्ती की गई थी। हिजबुल्ला ने इसराइल के पोर्ट सिटी हाइफा को टारगेट कर रखा है। कुछ हफ्तों में सबसे ज्यादा रॉकेट हाइफा पर ही दागे गए हैं। दावा किया जा रहा है कि 10 प्रोजेक्टाइल रेबदान की सीमा से हाइफा की तरफ दागे गए हैं, जिनमें से ज्यादातर रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया गया है, जबकि बाकी रॉकेट खुले इलाकों में गिरे हैं। इसराइल के हाइफा से आया एक चौंकाने वाला वीडियो देखिए। ये वीडियो हाइफा के होलसेल मार्केट का है, जहां लोग कामकाज में जुटे हैं, लेकिन तभी अचानक एक मिसाइल का टुकड़ा यहां गिरता है और यह शख्स घायल होने से बाल बाल बच जाता है। हिजबुल्ला के हमले का करारा जवाब। इस बीच इजरायली एयरफोर्स ने दक्षिणी लेबनान में बहुत बड़ा हमला किया है। हिजबुल्ला के 200 ठिकानों को तबाह कर दिया है। इन ठिकानों में लॉन्चर्स, एंटी टैंक लॉन्चिंग पोजीशन, मिलिट्री बिल्डिंग और हथियार डिपो को टारगेट किया गया है। ये तस्वीर लेबनान के नबाती की है, जहां कमर्शियल मार्केट पर भीषण हमला किया गया है। दक्षिणी लेबनान के नबाती में भयानक तबाही हुई है। शहर में दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ तेज रफ्तार गाड़ियां और इसराइल के हमलों का बारूद सड़कों पर देखा जा सकता है। नबाती दक्षिण लेबनान का एक बेहद अहम शहर है, लेकिन अब यह शहर किसी शमशान में तब्दील हो चुका है। लेबनान के नबाती में जबरदस्त बमबारी हुई है। न्यूज 18 संवाददाता रिफत इस वक्त उसी इलाके में है। कैसा है नबाती का हाल, आपको दिखाते हैं। नबाती बहुत ही अहम शहर है साउथ बेरोत में, और ये बॉर्डर के साथ का एरिया है, और अभी भी ऊपर से जो है वो इसराइली ड्रोन घूम रहे हैं। मैं पूरी तरह से दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ तबाह हुआ है। ये नबाती का एरिया है और नबाती एक बड़ा मार्केट है, और इस मार्केट में अब हर तरफ से बर्बादी हुई है। यहाँ आप मुश्किल से ही किसी शख्स को देखेंगे, सारे लोग यहाँ से निकल चुके हैं, सिर्फ कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन वाले लोग हैं बाकी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है हाल, सब कुछ यहाँ पे तहस नहस हो गया है। गाड़ियाँ, ये स्ट्रीट्स और ये सब तबाह हो गया है। ये देखिए, लेबनान का विध्वंस तय दिख रहा है, लेकिन इसराइल पर हिजबुल्ला ने जिस तरह से हमला किया है उसने
सारे सवाल खड़े कर दिए हैं कि इसराइल इस इंतजार में बैठा है कि वो ईरान के खिलाफ पलटवार करेगा, और आलम यह है कि ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्ला के हमले से ही इसराइल खुद को सुरक्षित नहीं रख पा रहा। हसन नसरल्लाह की मौत हो चुकी है, हिजबुल्ला की भी मौत की पुष्टि कर चुका है, लेकिन हाइफा में हुए हमले के बाद अब इसराइल में हसन नसरल्लाह का खौफ फिर से फैलने लगा है। इसराइल में लोग पूछ रहे हैं कि हिजबुल्ला का पूरा अटैक सिस्टम तो पहले से ही खतरनाक रूप ले चुका है। हाइफा अटैक ने साबित कर दिया है कि इसराइल और हिजबुल्ला का युद्ध फंस चुका है। हाइफा अटैक ने बता दिया है कि ये युद्ध अब एक तरफा नहीं रहा, गारंटी पूरी है कि ये जंग लंबी चलेगी। हाइफा अटैक ने बता दिया है कि हिजबुल्ला सुपर एक्टिव है और उसकी ड्रोन पावर से लेकर रॉकेट वाले अटैक में कोई कमी नहीं आई है, ना आएगी। हाइफा में इजरायली अड्डों पर जिस तरह हिजबुल्ला के ड्रोन फटे, वो नेतन्याहू की आर्मी के लिए बहुत बड़ा झटका कहा जा रहा है। हिजबुल्ला का C3 इस वक्त इजरायल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। C3 का मतलब 3C। 3C के मायने कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन, यानी हाइफा अटैक ने बता दिया है कि हिजबुल्ला का C3 बरकरार है। अब सवाल उठ रहा है कि जो लीडरशिप और फोर्स का ऑर्डर हसन नसरल्लाह के वक्त मौजूद था, वो अब भी जिंदा है, या ये कहें कि हसन नसरल्लाह मरकर भी हिजबुल्ला को कंट्रोल कर रहा है। यही मैसेज पूरी दुनिया को जा रहा है। हिजबुल्ला को बेरूत से अब भी ऑर्डर मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं, ना ही उसकी कोई कम्युनिकेशन लाइन टूटी है। उसके हथियारों ने अब भी इसराइल को अपने टारगेट पर लिया हुआ है। ये सब तब देखा जा रहा है जब दक्षिण बेरूत को मिटाने के लिए इसराइल लगातार हमले कर रहा है। दक्षिण बेरूत की कोई सड़क ऐसी नहीं बची जहां पर गिरी हुई बिल्डिंग का मलबा नहीं नजर आता। लेबनान में इसराइल की बमबारी से 2,300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि घायलों की तादाद 11,000 पहुंच चुकी है। बेरूत ने पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके की बमबारी देखी है, उससे लगता था कि दहिया इलाके से हिजबुल्ला को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन अब हाइफा पर अटैक करके हिजबुल्ला ने बता दिया है कि वो अब भी इस युद्ध में बराबर हमले करने की ताकत रखता है। हिजबुल्ला का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, हिजबुल्ला का कोई बड़ा कमांडर सामने नहीं है, लेकिन फिर भी हिजबुल्ला के हमले इसराइल पर तेज हो रहे हैं। हिजबुल्ला का मकसद साफ है और हाइफा से आने वाली तस्वीरें उसके मकसद को पूरा भी कर रही हैं। हाइफा की सड़कों पर एम्बुलेंस और मिलिट्री की गाड़ियों को दौड़ता हुआ देखकर पूरा इजराइल ही नहीं, अब दुनिया पूछ रही है कि हसन नसरल्ला और उनके कमांडरों को मारने के बाद भी हिजबुल्ला का नेटवर्क कैसे चल रहा है। हेलीकॉप्टर से घायल इजरायली सैनिकों को एयरलिफ्ट करने की तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। हिजबुल्ला के पास एयरफोर्स नहीं है, लेकिन वो ड्रोन से हमले करके ये बताना चाहता है कि वो इजरायल को बराबर का जवाब देना चाहता है। हिजबुल्ला साबित करना चाहता है कि इजरायल दक्षिण लेबनान में घुसकर जो ऑपरेशन कर रहा है, उसका जवाब वो हाइफा में दे रहा है। इन दोनों तस्वीरों में एक तरफ इजरायल बहुत मजबूत नजर आ रहा है जब वो हिजबुल्ला के गढ़ में जमीनी अटैक कर रहा है, तो दूसरी तरफ हाइफा में उसके पूरे डिफेंस सिस्टम की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। हिजबुल्ला ने दक्षिणी हाइफा में गोलानी ब्रिगेड के अड्डे पर हमला किया। यहाँ इजरायली सेना का बिन्यामीना अड्डा है और यहाँ पर ड्रोन से पूरे इजरायल में हड़कंप मच गया। हाइफा में इजरायल के बहुत ही खास मिलिट्री अड्डे पर हुआ ये बहुत ही खतरनाक हमला रहा।
ये नेतन्याहू की बड़ी नाकामी बताई जा रही है। Hezbollah is dug in. It's much better defended. It's much better forces. They've got much better trained by the Iranians, and they've got tremendous faith. I probably think they will fight on. They'll take a few days to reorganize the command and control, because that has been utterly destroyed by very good Israeli intelligence and incredible. हाइफा में अटैक के बाद अब सवाल इसराइल के पूरे डिफेंस सिस्टम पर उठ रहा है। तो पहले ईरान के 1 अक्टूबर वाले मिसाइल अटैक के बाद अपना रुतबा खो चुका है। सवाल है कि क्या नेतन्याहू का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त सो रहा था जब हिजबुल्ला ने हाइफा पर ड्रोन लॉन्च किए और इजरायली सेना के बहुत ही खास ठिकाने को टारगेट बनाया। लेबनान से लॉन्च किए गए ड्रोन को काउंटर करने की जिम्मेदारी आयरन डोम पर थी। आयरन डोम की रेंज 70 किलोमीटर से ज्यादा है और हाइफा की लेबनान बॉर्डर से दूरी है 27 किलोमीटर। यानी आयरन डोम का रडार दक्षिण लेबनान के अंदर गहराई तक किसी भी ड्रोन और मिसाइल को ट्रैक कर सकता है। लेकिन 13 अक्टूबर को आयरन डोम फेल हो गया। वो हिजबुल्ला के ड्रोन को ट्रैक नहीं कर पाया और हिजबुल्ला के ड्रोन ने इसराइल के मिलिट्री ठिकानों पर ऐसा बारूद बरसाया कि सदमा तेल अवीव तक लगा है। אנחנו עכשיו עסוקים בליצור קשר עם משפחותיהם. כל החיילים בבסיס הונחו להתקשר הביתה ולהתקן את משפחותיהם שהם בסדר. हिजबुल्ला ने जिस जगह पर ड्रोन अटैक किया वो बिन्यामिना मिलिट्री कैंप है। बिन्यामिना मिलिट्री कैंप लेबनन की सीमा से 65 किलोमीटर दूर है। यानी हिजबुल्ला ने 65 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से एक ड्रोन अटैक किया जो सफलतापूर्वक जाकर अपने निशाने पर लग गया। उस दौरान उत्तरी हाइफा में तैनात आयरन डोम भी उसका पता नहीं लगा पाया। तभी तो इसराइल की एयर सीमा में बिना किसी रोक टोक के ये ड्रोन बिन्यामिना मिलिट्री कैंप पहुंचता है और वहां बड़ा धमाका कर देता है। साफ है कि हिजबुल्ला के हमले के सामने इसराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम सोता रह गया। ना ही हाइफा में अटैक से पहले सायरन बजा। यह हाइफा की तब की तस्वीरें हैं जब हिजबुल्ला का अटैक हो गया और फिर सेना ने अलार्म बजाना शुरू किया। अब सवाल है कि इसराइल ने हाइफा पर हिजबुल्ला के हमले के बाद क्या किया, गजा के देर अल बलहा में क्या हुआ, ये उसकी तस्वीरें हैं। बहुत ही खौफनाक वीडियो है। इसराइल ने अलक्सा अस्पताल के बाहर हमला किया है। इस हमले में 4 लोगों की मौत हुई है और करीब 50 लोग घायल हुए हैं। धमाके के बाद यहां लगे कैंप में आग लग गई और सब कुछ जलने लगा। नेतन्याहू ने कहा था कि हसन नसरुल्ला के मारे जाने के बाद हिजबुल्ला का अंत हो जाएगा, जो नहीं हुआ। नेतन्याहू ने कहा था कि वो बेरूत को गजा बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। बेरूत पर हमले जारी हैं, लेकिन हिजबुल्ला एक्टिव है। नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिण लेबनान से वो हिजबुल्ला को उखाड़ फेंकेंगे। वहां भी ऑपरेशन जारी है और इसराइल के लिए गुड न्यूज सुनने को नहीं मिली है। Haven't ended the war. They probably angered a lot of people in Hezbollah because it's not just Hezbollah. A lot of Lebanese don't like them, particularly Sunnis. But a lot of them feel that Hezbollah is representative of represents Lebanese resistance. So what are they going to do? If Iran lets them, they'll fire some more of the ultra precise weapons in the next few weeks. So probably that's going to happen. हिजबुल्ला और इसराइल की लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं हो रही, ये कई फ्रंट पर हो रही है। और नेतन्याहू के लिए बड़ी फिक्र की बात यह है कि अब ये फ्रंट इसराइल के अंदर खुल चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल अब बेरूत पर बमबारी का नया रिकॉर्ड बना रहा है। लेकिन इसराइल इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव में है। नेतन्याहू ईरान पर पलटवार करने की सोच रहे हैं, लेकिन पुतिन और पेजकेशियान की मीटिंग के बाद ईरान से जो रिपोर्ट आ रही है वो इसराइल के लिए बुरी खबर कही जा रही है। इंसानों की यहां कोई भी साथ नहीं है, यहां कदम कदम पर मौत है।
आसमान से बरसती मौत। हिजबुल्ला सिर्फ युद्ध में मार नहीं खा रहा, इसराइल को मार भी रहा है, तबीयत से मार रहा है। मार इतनी भयानक है कि उसका ट्रेलर न्यूज 18 इंडिया रिपोर्टर अरुण सिंह और वीडियो जर्नलिस्ट राकेश नेगी ने कैमरे में कैप्चर की है। ये शोर सुनिए, रॉकेट की रफ्तार देखिए, फिर धमाके का असर खुद ब खुद समझ सकेंगे। कलेजा थर्रा देने वाले दृश्य अब इसराइल में दिख रहे हैं। हिजबुल्ला के हमले को नई धार मिली है, ईरान भी अब खुलकर इसराइल को दहलाने जा रहा है। वजह, ईरान को अब एक ऑर्डर पर मिलेगा हर हथियार। खामनेई की डिमांड पर रातों रात मिलेगी हाइपरसोनिक मिसाइल। कुछ फोर्स जब चाहे उसे मिल जाएगा सुपरसोनिक आसमानी लड़ाका। ईरान को न्यूक्लियर थ्रेट हुआ तो एटम बम का भी हो जाएगा जुगाड़। इसराइल हो या अमेरिका, ईरान को अब किसी से नहीं डर। ईरान कभी भी इसराइल से नहीं डरा। ईरान ने हर बार इसराइल के हमले का जवाब दिया। ईरान ने बम के बदले मिसाइल से दहलाया, लेकिन अमेरिका के वॉर जोन में आने के बाद से ईरान की जमीन खिसक गई थी। ईरान को सुपर पावर के जंगी बेड़े डरा रहे थे। ईरान को न्यूक्लियर बमों से लोडेड फाइटर जेट से बचने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। मगर अब तेहरान में टेंशन जैसी कोई बात नहीं। सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी बेफिक्र है। वजह है मॉस्को से हुआ एक ऐलान। ईरान को रूस से क्या क्या गारंटी मिली है, डिटेल व्हाइट हाउस तक पहुंच गई है, जिसके चलते करीब एक हफ्ते से नेतन्याहू से बातचीत नहीं कर रहे प्रेसिडेंट जो बाइडन ने फटाफट मीटिंग फाइनल कर ली है। यानी दो हॉटलाइन एक्टिव है 24/7। तेहरान और मॉस्को की हॉटलाइन पर इसराइल के हमले से निपटने का प्लान बन चुका है। वहीं रूस के वॉर जोन में एंट्री के बाद प्रेसिडेंट बाइडन और नेतन्याहू नई रणनीति बना रहे हैं। लीडर्स की वॉर प्लानिंग से अलग युद्ध के मैदान में खून खराबे की लिमिट क्रॉस होती जा रही है। हिजबुल्ला के रॉकेट धमाके हाइफा में हाहाकार मचा रहे हैं। जैसे बेरूत जल रहा है, ठीक वैसे ही दृश्य इसराइल में दिखने लगे हैं। लेकिन इसराइल के बारूदी प्रहार को झेलने की हिम्मत अब हिजबुल्ला में बची नहीं। हिजबुल्ला सीज फायर की दहाड़ लगा रहा है। मगर इसराइल का मकसद साफ है, हिजबुल्ला, हमास, हूती के साथ इन सब के अघोषित आका, ईरान की तबाही। אנחנו משנים את המציאות מקצה אל קצה. וכל העולם משתאה מהמכות שאתם מנחיתים על אויבינו, ואני מצדיע לכם ואומר לכם, אתם דור הניצחון. יחד נילחם ויחד ננצח, בעזרת השם. जबकि युद्ध में इसराइल को भी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। हिजबुल्ला लड़ाके इसराइल को घर में घुसकर दहलाने लगे हैं। यह हाइफा सिटी का हाल है। हिजबुल्ला आर्मी ने हाइफा में रॉकेट धमाके की झड़ी लगा रखी है। अचानक सब कुछ बदलता गया है।